नमस्कार, मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी जो है हमारे पास मौजूद हैं और यह सीर ब्लॉक के लिए एक सौभाग्य की बात है कि पहली महिला अधिकारी के रूप में इनका यहाँ आगमन हुआ है। मैम, आपका स्वागत। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मधु छंदा सिंह है। मैं इसके पहले आजमगढ़ जनपद में पोस्ट रही हूँ और 13 दिसंबर 21 में हम लोग यहाँ पे आए आपके जनपद बलिया में, और पहली पोस्टिंग हमारी वीडियो के रूप में चिलकहर विकास खंड में हुई है और आज मैं सीयर ब्लॉक में ज्वाइन की हूँ एज ए खंड विकास अधिकारी के पद पे। आप की नियुक्ति जो है किस पद पे सबसे पहले हुई है और कहाँ हुई थी? इसके पहले मेरी पहली नियुक्ति हुई थी बस्ती जनपद में और ये ग्राम विकास के पद पे, पुनः जो है 2008 में सहायक विकास अधिकारी के पद पे पोस्टिंग हुई और अब 2021 में संयुक्त खंड विकास अधिकारी, पुनः एक महीने के बाद खंड विकास अधिकारी के पोस्ट पे हम लोगों को यहाँ बलिया में पोस्ट किया गया। आप चिलकहर से यहाँ आई हैं तो आप रहने वाली कहाँ के हैं? मेरा गृह जनपद आजमगढ़ है, विकास खंड जहानागंज पड़ता है, वहीं की रहने वाली हूँ मैं। आप सीयर ब्लॉक में, जैसा कि आप जानती हैं, सब पहली महिला वीडियो के रूप में आपने आज कार्यभार ग्रहण किया है, महिलाओं की जो है आपसे काफी जो है अपेक्षाएं होंगी, उनके लिए आपकी क्या प्राथमिकता हो? देखिए, मेरी प्राथमिकता महिलाओं के लिए है, चाहे जिस भी स्तर से, वो समूह के माध्यम से हो, आवास के माध्यम से हो। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि मैं उनको रोजगार मुहैया करा सकूं और उनको यह बता सकूं कि वो महिला हैं जरूर, लेकिन अगर वो घर से निकल गई हैं और कार्य करना चाहती हैं तो उनको हर तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए, चाहे वो समूह के माध्यम से हो या जैसे भी, उनको प्रशिक्षण दे करके। मैं यही करूंगी कि उनको हर स्तर से उनको जानकारी दी जाए, चाहे बैंक सखी हो या विद्युत सखी हो या कृषि सखी हो, उनको किसी न किसी रूप में रोजगार दिया जाए। जैसे किसी ब्लॉक की योजनाएं जो है अमूमन जो है गरीबों के लिए होती है, तो पात्र लोगों तक जो है ब्लॉक की योजनाएं कैसे पहुंची, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए तो निचले स्तर पे हम सबसे पहले ग्राम प्रधान और गांव की जनता से ही संपर्क करते हैं कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति हो उसके पास तक हमारी जो भी योजनाएं चल रही हैं, सरकार की यही मंशा है कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति हो उसको इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। मैं यही कोशिश करूंगी कि उनको इस लाभ से लाभान्वित किया जा सके। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी कि जनपद बलिया में मेरा शेयर ब्लॉक जो है नंबर एक पे आवे, इसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगी, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित रहेगा। इस तरह से जो है बलिया के जिलाधिकारी एक महिला है और आज जो है सीयर ब्लॉक की वीडियो भी महिला है, उससे जो है कितना जो है आपको सहयोग मिलने की संभावना है? जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, पूरा पूरा सहयोग मिलने की बात है और मैम बहुत अच्छे से बात करती हैं, डीएम मैम, और सहयोग भी करेंगी। मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर मेरी यहाँ की कोई परेशानी होगी तो मैं उनको स्वयं अवगत कराने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले प्राथमिकता सीयर ब्लॉक के लिए आपने क्या सोच रखा है? देखिए, मैंने तो यही सोचा है कि जो भी हमारे यहाँ की योजनाएं चल रही हैं या कुछ कमियां रही हों, हर अधिकारी सोचता है कि मैं अच्छा काम करूं, लेकिन उनका करने का तरीका कुछ अलग होता है, मेरा भी कुछ अलग है। मैं कभी अपने आप को एज ए अधिकारी के रूप में रख के कभी नहीं काम किया, मैं पब्लिक से मिल करके, मैं उनकी बहन या जो भी माँ समझिए, उस तरह से मैं कार्य करती हूँ और मुझे सफलता मिलती है और मैं कोशिश करूँगी कि मुझे मिलेगी सफलता। और इसमें सीयर ब्लॉक की पब्लिक से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी बातें हों वो आकर के मुझे सीधे बतावें, मैं उसको सुलझाने का प्रयास करूंगी और योजनाओं को उनके तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो चंदा सिंह जी, जो नए नए जो है वीडियो पद बार आज सीयर ब्लॉक में जो ग्रहण किया है, उनका साफ तौर से कहना है कि वो एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक आम जनता के सेवक के रूप में जो है काम करेंगी और लोग उनसे जो है जिनकी भी जो भी परेशानियां हैं डायरेक्ट जो है आकर मिलें और उनकी परेशानियों का निवारण करने का उनका जो पूरा प्रयास रहेगा। भारत मीडिया के लिए रजीत सिंह के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट, आप देखते रहें भारत मीडिया।